Hello everyone and welcome to the One Shot Score Boosters by Mind Review. I am Sakshi Kaushik. तो सुबह हम लोग एक बार ऑलरेडी मिल चुके हैं. जो लोग उस लाइव स्ट्रीम में थे उन्हें पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड दीज आर वन शॉट स्कोर बूस्टर्स स्पेशली डिजाइन फॉर 12th क्लास साइकोलॉजी, जिनका अभी टर्म 2 एग्जाम्स यानी कि आप लोगों का सर पर है ऑलमोस्ट. बट डोंट यू वरी, हमारा स्केड्यूल है जिसमें चैप्टर 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आज की मॉर्निंग वाली लाइव स्ट्रीम में. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट तो इस वाले लाइव स्ट्रीम के बाद आप उसको भी देख सकते हैं चैप्टर 4 कवर करने के लिए. टुडे वी विल बी कवरिंग चैप्टर 5 जो कि है आपका थेरेप्यूटिक अप्रोच. सिंपल शॉर्ट स्वीट चैप्टर है, क्विकली कवर करेंगे. एंड कल जो है दोनों चैप्टर्स चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 सुबह एंड शाम को कवर हो जाएंगे. एंड विद दैट वी विल वंस अगेन कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस. तो कुछ ग्राउंड रूल्स सेम रहते हैं, जो लोग ऑलरेडी थे उनको पता है, मुझे रिपीट करने की उनके लिए तो जरूरत नहीं होगी. बट इफ समबडी इज न्यू टू दिस लाइव स्ट्रीम, तो ग्राउंड रूल्स हैं कि अपने पास पानी की बॉटल ऑलरेडी रखें. आई डोंट वॉन्ट यू टू मूव अहेड एंड वेस्ट योर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो जाएगी बाहर जाके पानी की बॉटल या पानी लाने में. अपने साथ नोटबुक पेन पेंसिल रखें क्योंकि कोई ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल वीडियो है. तो आपको कुछ ना कुछ नोट्स हो सकता है बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट लिखने की ज़रूरत पड़ जाए. बी अटेंटिव बाय टर्निंग ऑफ योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस. ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख रहे हैं, दोस्त का मैसेज आ गया, उसको रिप्लाई करने में पूरा दिन निकल गया. ठीक है, सो मेक श्योर गाइस, ये बस कुछ घंटों की बात होने वाली है. अपना सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद करके पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करो और 30 मिनट्स हो जाएं उसके बाद ही ब्रेक लेना अलाउड है. ब्रेक लेने में भी ये नहीं है कि पूरा दिन टीवी देखने चले गए. स्ट्रेच करो, स्माइल करो, वापस गेट बैक टू वर्क. 2-3 दिन है इसमें, हमने पूरी जान लगा के प्रिपरेशन करो बिकॉज यू कैन एंड यू विल. सो लेट द गेम बिगिन एंड लेट अस बिगिन बाय रीडिंग आर एनसीईआरटी बुक्स. यस, तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी पूरा यू नो चैप्टर कवर करा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज. बट विद दीज वन शॉट स्कोर बूस्टर्स मैंने सोचा है कि एनसीईआरटी से हम लोग पूरा कवर करेंगे. मैंने ऑलरेडी आप लोगों का टाइम बचाने के लिए एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको डिफरेंट कलरफुल कलर्स से हाईलाइट किया हुआ है. जिन्होंने सुबह की स्ट्रीम देखी है उनको तो अच्छे से पता ही होगा. सो लाइन बाय लाइन हम उससे पढ़ेंगे. उससे क्या होगा, वन योर बेनिफिट वुड बी देयर कि आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पूरी बुक पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो, बुक से हर एक चैप्टर किया है. और दूसरा, बुक से जब आप देखोगे तो आप बुक से फेमिलियर हो गए, आपको बाद में अगर आपको कोई सेल्फ स्टडी करनी हो, रिविजन करना हो तो और ईजी रहेगा. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो हैव योर बुक्स विद यू, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करते रहना साथ साथ. सो लेट अस बिगिन विद रीडिंग आर बुक्स नाउ. चलिए तो एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का जो सिलेबस है. ये चैप्टर है 7 मार्क्स का, सो इट हैज़ वैल्यू. और ये टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ साइकोथेरेपी, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ थेरेपीज जिसमें हम कवर करेंगे बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज. एंड लास्टली वी विल बी डूइंग द टॉपिक ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल. तो फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम भी आपके पास बचा रहे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर नंबर 5. ओके, तो टॉपिक के कंटेंट्स तो आपने देख ही लिए हैं. ये वो पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो हाईलाइटेड नहीं है वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है. चलिए, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, जिसमें पहले ये जानना जरूरी है कि साइकोथेरेपी होता क्या है. सो साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंटरी रिलेशनशिप. ठीक है, हम जबरदस्ती किसी को उठा के नहीं ला सकते हैं, ना काउंसलर को जबरदस्ती उठा के ला सकते हैं, ना क्लाइंट को जबरदस्ती उठा के ला सकते हैं. इट इज अ वॉलेंटरी, दोनों को खुद वॉलेंटियर करना पड़ेगा. सो वॉलेंटरी रिलेशनशिप बिटवीन वन सीकिंग ट्रीटमेंट हु इज नोन एज द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट. तो जो इंसान जो है थेरेपी दे रहा है उसको हम बोलते हैं थेरेपिस्ट, जो इंसान थेरेपी ले रहा है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, और क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो एक वॉलंटरी रिलेशनशिप बनता है उसको हम बोलते हैं साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. और साइकोथेरेपी एक वॉलंटरी रिलेशन है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में. इस रिलेशन का पर्पस है टू हेल्प द क्लाइंट. क्लाइंट को क्या हेल्प करना है, टू सॉल्व व्हाटएवर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे माइट बी फेसिंग. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस के या साइकोथेरेपी के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जब भी साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच की बात की जाती है तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी साइकोलॉजी बेस्ड थ्योरीज हैं, जो भी साइकोलॉजी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनको सिस्टमैटिकली अप्लाई किया जाता है थेरेपी में, ताकि क्लाइंट को हेल्प की जा सके उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में। सो फर्स्ट थिंग इज देयर इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ वट एवर थ्योरीज वी हैव इन साइकोलॉजी, वट एवर व्यूज, वट एवर प्रिंसिपल्स वी हैव इन साइकोलॉजी। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट पर्सन हु हैव रिसीव्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन कैन ओनली प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी सिर्फ वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको पहली चीज तो ट्रेनिंग सही मिली हो उसी चीज से रिलेटेड। ऐसा नहीं है सीधा बैचलर्स के बाद आप साइकोथेरेपी देने लग गए। देर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग दैट यू शुड हैव रिसीव्ड, देर शुड बी प्रॉपर क्रीडेंशियल्स, क्वालिफिकेशंस और सुपरवाइज ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, उसके बाद ही आप साइकोथेरेपी दे सकते हो। हर कोई इंसान साइकोथेरेपी नहीं दे सकता। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट थेरेप्यूटिक सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट हु सीक्स एंड रिसीव्स हेल्प। तो उस थेरेप्यूटिक सिचुएशन में कौन कौन होता है? एक थेरेपिस्ट होता है और एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो कि रिसीव करना चाहता है हेल्प अपनी इमोशनल प्रॉब्लम के लिए। सो दीज आर द थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस। पहली चीज कि वो जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं उस पे बेस्ड अप्रोच है। सेकेंडली जिन लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है सिर्फ जो है वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं साइकोथेरेपी। और तीसरी चीज थेरेप्यूटिक सिचुएशन जो है क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट होता है, उसमें क्लाइंट जो है आया होता है अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प रिसीव करने। राइट, एंड देन योर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरैक्शन ऑफ दीज टू पर्सन। कौन से दो लोग? थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। तो जब एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं आपस में, तो बनता है एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है इट इज प्रोफेशनल, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि थेरेपिस्ट के साथ क्लाइंट जो भी बातें शेयर कर रहा है, थेरेपिस्ट उसको किसी और थर्ड पर्सन को जाके नहीं बताता है। सो इट इज कॉन्फिडेंशियल, इट इज इंटरपर्सनल, उनके बीच का रिलेशन है, ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है विद टाइम, एंड इट इज कॉन्फिडेंशियल। आफ्टर दैट वी हैव सर्टन गोल्स दैट ऑल द साइकोथेरेपीज एम एट। ठीक है, चाहे कोई भी साइकोथेरेपी हो, कोई भी थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो कर रही हो साइकोलॉजी का, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रही हो, उन सब के कुछ कॉमन गोल्स होते ही होते हैं। सो देर आर सर्टन 10 गोल्स दैट यू नीड टू नो अबाउट। ठीक है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि डिफाइन साइकोथेरेपी, व्हाट आर इट्स गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। पहले वो डेफिनेशन लिखनी होगी साइकोथेरेपी क्या होता है, फिर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे, फिर आपको ये गोल्स मेंशन करने होंगे। सो गोल्स आर, फर्स्ट गोल इज री इन्फोर्सिंग द क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट। अक्सर जो क्लाइंट्स आते हैं दे आर वेरी होपलेस, उनको लगता है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आई जस्ट कांट डू एनीथिंग, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। बट एक गोल होता है साइकोथेरेपी का कि थेरेपिस्ट को रीइन्फोर्स करना होता है, क्लाइंट को मोटिवेट करना होता है कि आप बेटरमेंट के टूवर्ड्स काम करो, आप कर सकते हो। राइट, सेकेंड इज लेसनिंग द इमोशनल प्रेशर। उस क्लाइंट के ऊपर जो भी स्ट्रेस है, इमोशन का प्रेशर है, उसको कम करने की कोशिश। अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ। तो हर इंसान में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है अपने आप को पॉजिटिवली ग्रो करने का, बस दिक्कत क्या आती है कि वेन वी आर सराउंडेड विद सम काइंड ऑफ इमोशनल एंड स्ट्रेसफुल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हम वो भूल जाते हैं अपना पोटेंशियल। सो थेरेपिस्ट का काम इसमें साइकोथेरेपी में एक गोल होना चाहिए कि उस पोटेंशियल को अनफोल्ड करे, क्लाइंट के सामने उस पोटेंशियल को लेके आए कि आप में पोटेंशियल है ग्रोथ का, पॉजिटिव ग्रोथ का। ठीक है, मॉडिफाइंग हैबिट्स, कुछ ऐसी हैबिट्स जो उनके ग्रोथ में हिंडर कर रही हो उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करना। चेंजिंग देयर थिंकिंग पैटर्न्स, अगर उनकी थिंकिंग इरेशनल है, आज सुबह वाली वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया था इरेशनल क्या था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ इरेशनल क्या है। सो जो थिंकिंग पैटर्न्स अगर इरेशनल है तो उनको चेंज करना, रैशनल में लाना, लॉजिकल बनाना उनको। ठीक है, इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, उनके बारे में उनकी खुद की क्या नॉलेज है, हाउ मच डू दे नो अबाउट देम सेल्व्स, अपने बारे में वो कितना जानते हैं, उसको इंक्रीज करना, उस सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना।
देन इम्प्रूविंग देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन, उनके कैसे रिलेशंस हैं अपने आसपास वाले लोगों के साथ, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक सोसाइटी के सेटिंग में, उसको इम्प्रूव करना. फैसिलिटेटिंग देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनके लिए डिसीजन हमें मेक नहीं करने हैं एज थेरेपिस्ट, ये गोल नहीं है साइकोथेरेपी का, बट उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना इज अ गोल. नेक्स्ट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस चॉइसेस इन लाइफ, उनको हेल्प करो कि उनकी क्या चॉइसेस हैं, उनके पास लाइफ में क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसके बारे में एटलीस्ट उनको नॉलेज हो, सो दैट दे कैन मेक बेटर डिसीजंस. एंड द लास्ट गोल इज रिलेटिंग टू वंस सोशल एनवायरनमेंट इन अ मोर क्रिएटिव, मोर सेल्फ अवेयर मैनर. तो मेरा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें मैं एक बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर मैनर में, वेर एन आई ऑल्सो नो अबाउट माई सेल्फ, वाई आई एम टेकिंग सर्टन एक्शंस दैट आई एम टेकिंग, वॉट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन अदर पीपल if I take these actions. So I should have that self-awareness when I'm interacting with the environment I'm living in. So with this, we complete your definition of psychotherapy, we complete the characteristics of psychotherapeutic approaches, we complete the goals of psychotherapy. After that, we move on to another very important part of this chapter. ध्यान से सुनना है, सब लोगों को समझना है, doubts होंगे तो पूछना है. Therapeutic relationship, ठीक है, तो हमने brief में पहले discuss किया था therapeutic relationship क्या है, the relationship that exists between the therapist and the client. ठीक है, so special relation between client and therapist is known as therapeutic relationship. Therapeutic relationship को therapeutic alliance भी बोलते हैं, तो confuse नहीं होना है. अगर question पूछता है कि what is a therapeutic alliance, तो वही चीज़ है, therapeutic relation, therapeutic alliance same चीज़ है. अब दो major components होते हैं therapeutic alliance या therapeutic relationship के, एक होता है contractual nature, यानी कि ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, इसमें दो विलिंग इंडिविजुअल्स को आना होता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट ओनली वन पर्सन इज पुटिंग इन द एफर्ट, थेरेपिस्ट आपको सारे रेडीमेड सॉल्यूशंस दे देगा, नो, द क्लाइंट ऑल्सो हैज टू बी विलिंग, द क्लाइंट ऑल्सो हैज टू पुट इन द एफर्ट्स, द थेरेपिस्ट ऑल्सो हैज टू पुट इन द एफर्ट्स, द थेरेपिस्ट ऑल्सो हैज टू एंटर इन टू दैट पार्टनरशिप, दे शुड बी वर्किंग एज पार्टनर्स इन दैट. सो एक मेजर कॉम्पोनेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर. ठीक है, कि दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट येस आई एम विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस रिलेशन, आई एम विलिंग टू वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट, एंड द क्लाइंट इज ऑल्सो विलिंग टू वर्क टूवर्ड्स देयर ओन बेटरमेंट एंड वर्क टूवर्ड्स दैट एरिया. और जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है दैट इज लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी. अब ऐसा नहीं है कि उम्र भर ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बना ही रहेगा, थेरेपी चलती ही रहेगी, नो, इट हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन. एक जो अलायंस बना है, जो थेरेप्यूटिक रिलेशन बना है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है. नाउ हाउ डू वी नो कितने टाइम तक रहेगा? सो इट रिमेन्स अंटिल द क्लाइंट बिकम्स एबल टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन. ऐसा नहीं है कि थेरेपी लेने के बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे. प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, स्ट्रेस आएगा, बट इफ द क्लाइंट इज एबल टू डील विद दोज इश्यूज ऑन देयर ओन, then they do not need the help of that therapeutic relationship anymore and we can end that therapy at that point of time. But agar usko abhi bhi lag raha hai that they will not be able to deal and it is very overwhelming for them, then the therapy might continue. So two important components therapeutic relationship ke, ek hai ki ye contractual nature hai, do willing individuals aate hain iske andar, aur dusra hai ki थेरेपी की ड्यूरेशन लिमिटेड होती है, कब तक? जब तक क्लाइंट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट ना बन जाए प्रॉब्लम्स के साथ, खुद डील करने में, खुद उनको ओवरकम करने में. बाकी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के, वो है दैट इट इज़ अ ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप, कि क्लाइंट को इनफ ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए थेरेपिस्ट के ऊपर, सो दैट द क्लाइंट कैन शेयर देयर पर्सनल लाइफ डिटेल्स, देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, इतना ईजी नहीं होता अपने स्ट्रेसेस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में बात करना. वी नीड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन द सेकेंड पर्सन सो दैट वी कैन ओपनली टॉक अबाउट एंड कन्फाइड अबाउट आर इमोशंस, राइट? ये जो रिलेशनशिप होता है ये एक्सेप्टिंग होता है, द थेरेपिस्ट इज एक्सेप्टिंग द क्लाइंट फॉर हु दे आर, द थेरेपिस्ट इज एम्पथेटिक टू वर्ड्स द क्लाइंट, इज जेन्युइन एंड वार्म. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखावट कर रहा है एक्सेप्ट होने का, एम्पथेटिक होने का, बट दे आर जेन्युइन एंड दे आर वार्म. देर इज अ सेंस ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड.
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है दैट विदाउट एनी कंडीशंस आई एम हैविंग अ पॉजिटिव रिगार्ड टुवर्ड्स यू. मैं कोई कंडीशंस नहीं लगा रही हूँ कि अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो ही आई विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू और आई विल बी केयरिंग टुवर्ड्स यू, अदरवाइज आई विल नॉट बी. जैसा भी इंसान है आई एम एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एंड विदाउट एनी कंडीशंस आई एम बींग केयरिंग लविंग एंड वॉर्म टूवर्ड्स दैट पर्सन. दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. एंड एम्पथी जो है, एम्पथी भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का. समझना जरूरी है कि एम्पथी सिंपथी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है. इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत कोल्ड होती है नेचर में, जिसमें आप दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो, यू आर जस्ट कंसर्न विद योर ओन सेल्फ. सिंपथी क्या होती है, दैट यू आर जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर द अदर पर्सन कि यार बेचारा उसके साथ ऐसे हो गया, बट थैंक गॉड आई एम बेटर ऑफ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. दैट इज सिंपथी, दैट यू आर जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर द अदर पर्सन. आपको बस एक फीलिंग ऑफ पिटी आ रही है, ठीक है. और आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, यू आर अनएबल टू फील लाइक द अदर पर्सन. ना तो आपको सिंपथी हो रही है, ठीक है, आपको कोई सॉरी फील नहीं हो रहा उस इंसान के सिचुएशन के लिए, ना ही आप उस इंसान की सिचुएशन समझ पा रहे हो. बट ऑन द अदर हैंड एम्पथी इज अ वेरी यू नो यू कैन से कॉम्प्लेक्स फीलिंग. एम्पथी में यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट अदर पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव. आप उनकी जगह अपने आप को रख के उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो. एंड टू बी ऑनेस्ट यू नो एम्पथी इज नॉट अ वेरी ईजी स्किल. इट इज नॉट एन ईजी स्किल. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ करेज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बायसेस आ जाते हैं. सो दैट इज वॉट एम्पथी इज. आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए एम्पथी सिंपथी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का. और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है. जो भी बात थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में रहती है वो वहीं तक लिमिटेड रहती है, बाहर नहीं जानी चाहिए. एंड लास्टली इट इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. सो नो फ्रेंडशिप कैन बी देयर, नो रोमांटिक रिलेशनशिप कैन बी देयर, नो अदर गार्डियनशिप रिलेशनशिप कैन बी देयर. इट्स स्ट्रिक्टली अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. वो एक थेरेपिस्ट हैं, वो एक क्लाइंट हैं जो अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं. थेरेपिस्ट उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में फैसिलिटेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. सो दैट इज अबाउट योर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है टाइप्स ऑफ थेरेपी. तो ये वाला पार्ट इतना ज़रूरी नहीं है कवर करने के लिए. एंड साइकोडायनामिक थेरेपी 12th के CBSE NCERT बोर्ड से रिमूव कर दिया गया है. वी विल बिगिन विद योर बिहेवियोरल थेरेपी. ठीक है, बिहेवियर थेरेपी से हम शुरू करते हैं. सो बिहेवियर थेरेपी का फोकस होता है ऑन बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट. थोड़ा सा मैं अगर आपको क्या बोलते हैं बैकग्राउंड दूँ, तो इससे पहले साइकोडायनामिक थेरेपी थी. साइकोडायनामिक थेरेपी का काफ़ी फोकस होता है कि पास्ट में क्या हुआ, चाइल्डहुड में क्या हुआ उस इंसान के, उन चीज़ों से रिलेटेड. बट बिहेवियर थेरेपी जो है वो प्रेजेंट पे फोकस करती है कि प्रेजेंट में कैसा बिहेवियर है क्लाइंट का, प्रेजेंट में क्या थॉट्स हैं क्लाइंट के, राइट. एंड इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द फॉल्टी पैटर्न्स दैट आर देयर इन द प्रेजेंट एंड इट ट्राइज टू करेक्ट देम. तो ये कोई यू नो सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करती है बिहेवियर थेरेपी, बट ये फॉल्टी पैटर्न्स इन बिहेवियर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि कहाँ बिहेवियर गलत हो गया, कहाँ थिंकिंग गलत हो गई और उसको हम ठीक करेंगे. सो एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर थेरेपी है तो ऑटोमेटिकली लर्निंग थ्योरीज की एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे यूज हो सकता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे यूज हो सकता है, री इन्फोर्समेंट कैसे यूज हो सकता है. ठीक है, तो फाउंडेशन ही बिहेवियर थेरेपी की ये है कि हमारे कुछ फॉल्टी बिहेवियर्स होते हैं, कुछ डिसफंक्शनल बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं करते, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन बिहेवियर्स, इन फॉल्टी बिहेवियर्स को मेंटेन करते रहते हैं. तो हमें क्या करना है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है और अपने फॉल्टी बिहेवियर्स को सही बिहेवियर्स में करेक्ट करना है, सही बिहेवियर्स में कन्वर्ट करना है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम हो सके. ना व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. बिहेवियरल थेरेपी में हमने ये तो देख लिया कि वो प्रेजेंट पे फोकस करती है, बिहेवियर और थॉट्स पे फोकस करती है, फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स, फॉल्टी थॉट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके उनको करेक्ट करने की कोशिश करती है. बट कैसे करती है वो कोशिश, क्या मेथड है ट्रीटमेंट का. तो एक मेथड है बिहेवियरल एनालिसिस. बिहेवियरल एनालिसिस में क्या होता है, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं क्लाइंट के साथ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स है, कौन से फॉल्टी पैटर्न है बिहेवियर्स के.
तो इंटरव्यू करते करते वो फॉल्टी पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैसे लर्न हुए वो फॉल्टी पैटर्न्स वो आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उन फॉल्टी पैटर्न्स को कंटिन्यू ही करे जा रहे हैं कि अब तक वो फॉल्टी पैटर्न ऑफ बिहेवियर ख़त्म नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जो है बिहेवियोरल एनालिसिस की मदद से देखी जाती है। फिर इसमें आपको टर्म पता होनी चाहिए माल फंक्शनिंग बिहेवियर, एंटीसिडेंट फैक्टर्स एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स। सो विद इन बिहेवियोरल एनालिसिस यू हैव थ्री टर्म्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, माल फंक्शनिंग बिहेवियर, एंटीसिडेंट फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर। तो माल फंक्शनिंग बिहेवियर वो बिहेवियर हैं जो क्लाइंट को डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, उनको परेशानी दे रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं। एंटीसिडेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो क्लाइंट का जो फॉल्टी बिहेवियर है ना उसको कॉज कर रहे हैं। तो कौन सा वो एंटीसिडेंट फैक्टर है जो उस फॉल्टी बिहेवियर को कॉज कर रहा था या क्लाइंट को उस फॉल्टी बिहेवियर के टूवर्ड्स प्री डिस्पोज कर रहा था, वो हो गया एंटीसिडेंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम है एंटीसिडेंट कि कौन सा कॉजल फैक्टर है उस फॉल्टी बिहेवियर का। एंड लास्टली आपकी है मेंटेनिंग फैक्टर्स कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके फॉल्टी बिहेवियर को मेंटेन ही किए जा रही है, कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि आपका जो फॉल्टी बिहेवियर था ऑफ मे बी स्मोकिंग टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, उस स्मोकिंग को क्या मेंटेन कर रही है, कौन सी चीज़ मेंटेन कर रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में कंटिन्यूस स्ट्रेस चलता ही जा रहा है जिसकी वजह से स्मोकिंग जैसा फॉल्टी बिहेवियर मेंटेन हुए जा रहा है। सो माल फंक्शन बिहेवियर का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको स्मोकिंग की आदत लग गई है। एंटीसिडेंट फैक्टर हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आया था जिसने आपको प्री डिस्पोज कर दिया टू ट्राई आउट स्मोकिंग एंड टू रिलीव स्ट्रेस थ्रू स्मोकिंग। मेंटेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कि अब आपको स्मोक करने से मज़ा आने लगा है, आपको रिलैक्स होने लगा, आपको उसके ऊपर एडिक्शन डेवलप हो गई है, एंड दैट इज समथिंग विच इज मेंटेनिंग योर फॉल्टी बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग। तो ये है आपका बिहेवियोरल एनालिसिस और यहाँ पे आपको ये तीन टर्म्स क्लियर आउट होनी चाहिए। नाउ एक बारी जब हमने ये फॉल्टी बिहेवियर्स आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या फॉल्टी बिहेवियर है जो क्लाइंट को डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, उसके बाद मैं चूज करूंगी अपना ट्रीटमेंट कि व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट कैन आई गिव टू द क्लाइंट। सो थेरेपिस्ट डज दिस थ्रू एस्टैब्लिशिंग एंटीसिडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस। एंटीसिडेंट ऑपरेशन क्या होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने की बाय चेंजिंग समथिंग दैट कम्स बिफोर द बिहेवियर। जैसा कि मैंने अभी बताया एंटीसिडेंट कंडीशंस वो कॉजल फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को कॉज कर रहे हैं, तो कॉजल फैक्टर्स तो उस बिहेवियर से पहले ही आएंगे, राइट। तो एंटीसिडेंट ऑपरेशंस भी कुछ ऐसे मेजर्स जो बिहेवियर को कंट्रोल करें और कुछ ऐसे कंट्रोल करें ताकि हम कुछ चेंज करें उस बिहेवियर से पहले जो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉल्टी बिहेवियर है स्मोक करना, ठीक है, अब मुझे एंटीसिडेंट ऑपरेशन करना है उस बिहेवियर, उस स्मोकिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना है, अभी खत्म नहीं करना बट मे बी इफ आई एम स्मोकिंग 10 सिगरेट्स पर डे तो आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट टू 8 सिगरेट्स पर डे। तो मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि उस बिहेवियर से पहले कुछ ऐसा हो जो मैं चेंज करूँ। सो इंस्टेड ऑफ यू नो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट कभी भी स्मोक करने से पहले आई विल टेल माई सेल्फ दैट आई विल डू मेडिटेशन फर्स्ट। तो पहले मैं मेडिटेशन करूंगी, उसके बाद भी अगर मुझे फील हो रहा है दैट आई वॉन्ट टू स्मोक ओनली देन आई विल गो अहेड टू डू दैट। सो वो जो मेडिटेशन वाला पॉइंट आ गया दैट इज नोन एज एंटीसिडेंट ऑपरेशन, दैट बिफोर माई बिहेवियर दैट आई विश टू चेंज आई एम चेंजिंग समथिंग बिफोर दैट बिहेवियर। ठीक है, तो जो बिहेवियर को मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ उससे पहले जो चीज़ हो रही है मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, उसको चेंज कर रही हूँ। सो दैट इज योर एंटीसिडेंट ऑपरेशन। एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन इज कि जब मैंने वो पर्टिकुलर बिहेवियर जिसको मैं कंट्रोल करना चाह रही थी उसे कंट्रोल्ड मैनर में कर लिया, यानी कि मैंने सोचा था 10 की जगह मैं 9 सिगरेट्स ही लूंगी और उससे पहले मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करूंगी, एंड आई इवेंचुअली डिड नॉट टेक दैट 1 एक्स्ट्रा सिगरेट ऑन दैट डे, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगी कि ओके आई डिड नॉट डू दिस सो आई डिजर्व अ रिवॉर्ड, लेट मी गो आउट एंड वॉच अ मूवी। तो दैट इज कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो एंटीसिडेंट ऑपरेशन जो उस बिहेवियर से पहले कुछ चेंज करना, एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन उस बिहेवियर को जब मैं अकम्प्लिश करती हूँ उस बिहेवियर पे कंट्रोल तब मैं उसको रिवॉर्ड कर रही हूँ अपने आप को किसी चीज़ से कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन से। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, नाउ देर आर सर्टन बिहेवियोरल टेक्निक्स ऑल्सो, इसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी होगी, जैसे कि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में बिहेवियोरल टेक्निक्स कैसे आती है, तो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज जो ऑर्गेनिजम्स को लीड करते हैं टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई और अवॉइड और एस्केप फ्रॉम देम। जैसे कि सर्दियों में
हमारी पेनफुल स्टिमुलाई क्या होती है, हमें ठंड लग रही है, अब उससे गेट रिड होने के लिए हम वॉर्म कपड़े पहनते हैं, हम हीटर जलाते हैं, ठीक है, या मे बी अंगीठी जलाते हैं, तो वो सारी चीजें करते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कि किसी अनप्लेजेंट चीज से बचने के लिए मैं कुछ काम कर रही हूँ। सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट एक बिहेवियोरल टेक्निक है। एवर्सिव कंडीशनिंग भी एक बिहेवियोरल टेक्निक है। एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है, मैं रिपीटेडली पेयर कर रही हूँ एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को एक अवर्सिव कंडीशन के साथ। जैसे कि मेरा अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, स्मोकिंग, आई डोंट वॉन्ट टू स्मोक, वो मेरा एक अनडिजायर्ड बिहेवियर, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है। मैं स्मोकिंग को अगर एक एवर्सिव, एक बहुत ही नेगेटिव से कॉन्सिक्वेंस के साथ पेयर कर दूँ, कि जब भी वेन एवर आई स्मोक आई गेट माइल्ड शॉक ऑन इन माई बॉडी, ठीक है, तो जब भी मुझे स्मोक, मैं जब भी स्मोक करूंगी मुझे माइल्ड शॉक होगा, तो शॉक किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है ना, जो इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, और वो बहुत एवर्सिव भी होता है। सो मैं क्या है, पेयरिंग करने शुरू कर दूंगी, एंड नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट ओनली फील लाइक स्मोकिंग, कि मे बी क्योंकि आई विल फील कि यार यू नो समथिंग बैड हैपेंस, या फिर स्मोक में मैं कुछ ऐसी चीज डाल दूंगी जिससे मुझे नॉशियस फील हो। सो आफ्टर वेन एवर आई स्मोक आई फील नॉशियस, तो जब वो चीज़ पेयर होगी तो मैं उस चीज़ को उससे पेयर कर दूंगी कि नो आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस सिगरेट बिकॉज आई फील नॉशियस आफ्टर इट। तो वो होता है एवर्सिव कंडीशनिंग, जहाँ पे मैं एक अनडिजायर्ड बिहेवियर, एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को पेयर कर रही हूँ एक एवर्सिव, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के साथ। और एक होता है आपका पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, जिसको हम देते हैं ताकि एक बिहेवियर इंक्रीज हो सके, ठीक है, कि अगर मैंने अच्छा काम किया, अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो आई विल गेट अ चॉकलेट, तो वो हो गया पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, दैट चॉकलेट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। और इसी का एक पार्ट होता है टोकन इकोनॉमी, कि कंसिस्टेंटली आप जब अच्छे अच्छे काम करते रहते हो, तो आज मैंने अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया तो मुझे एक टोकन मिल गया, फिर अगले दिन मैंने अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया मुझे एक और टोकन मिल गया, और इवेंचुअली जब मैं टोकन्स कलेक्ट कर लूंगी तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स को मैं सबमिट करके रिटर्न में कुछ अपने लिए ले सकती हूँ, कुछ रिवॉर्ड मांग सकती हूँ कि मैंने ये टोकन्स कलेक्ट किए हैं, अब आप रिटर्न में मुझे ये रिवॉर्ड दे दीजिए। सो दैट इज अनदर बिहेवियोरल टेक्निक। एक और बिहेवियोरल टेक्निक होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूजुअली यूज होती है फोबियाज को ट्रीट करने के लिए, फियर्स को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात, ये ट्रीटमेंट मेथड दिया था वोल्फ ने, WOLPE, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं चाहे तो। सो व्हाट हैपेंस इन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट साथ में होता है, थेरेपिस्ट क्लाइंट को इंटरव्यू भी कर रहा होता है ये देखने के लिए कि आपके किस चीज़ से आपको डर लगता है और उसके कितनी इंटेंसिटी से आपको डर लगता है। फिर वो एक हायरार्की सी प्रोड्यूस करते हैं कि सपोज मुझे यू नो डॉग्स से फियर है, डॉग का फोबिया है, ठीक है, आई एम वेरी फोबिक ऑफ डॉग्स सपोज। सो मैं एक हायरार्की प्रोड्यूस करूंगी कि मुझे लीस्ट डर लगता है अगर मैं डॉग के बारे में सोचती हूँ, फिर थोड़ा और डर लगता है अगर मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ, थोड़ा और डर लगता है अगर मैं उसे दूर से देख लेती हूँ, और अगर वो बिल्कुल मेरे पास होगा तो बहुत ही डर लगता है। सो ये एक हायरार्की प्रोड्यूस हो गई मेरी लीस्ट से मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन की। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में यही होता है कि पहले क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं ये जानने के लिए कि क्या चीज़ है जिससे उनको फियर हो रहा है, फिर एक हायरार्की थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलके प्रिपेयर करते हैं लीस्ट से मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन की। उसके बाद क्या होता है, थेरेपिस्ट पहले क्लाइंट को रिलैक्स करता है, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक से रिलैक्स करता है, उनको बोलता है कि आप रिलैक्स करो, और आफ्टर दैट द थेरेपिस्ट आस्क कि अब आप अपने लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के बारे में सोचो। तो मैं सोचूंगी डॉग के बारे में, ठीक है, थोड़ी मुझे एंग्जाइटी हो रही है बट साथ साथ थेरेपिस्ट मुझे रिलैक्स भी करे। उसके बाद व्हेन आई फील कंफर्टेबल विद दैट लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, देन आई विल मूव ऑन टू मे बी मॉडरेट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, की मैं इमेजिन कर रही हूँ डॉग की आवाज़ या मे बी इवेंचुअली सुन रही हूँ। सो दैट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिकली मैं अपने फियर्स को डिसेंसिटाइज कर रही हूँ। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम करता है, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन यही स्टेट करता है दैट प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेज एट द सेम टाइम इनहिबिट्स द वीकर फोर्स। तो अगर सेम टाइम पे आपके पास दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, जैसा कि हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में देखा कि थेरेपिस्ट आपको रिलैक्स भी कर रहा है और आप एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स भी सोच रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं, एंग्जाइटी है और रिलैक्सेशन भी है। तो जब सेम टाइम पे आपके पास म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस हो, तो उनमें से जो वीकर फोर्स है वो इवेंचुअली फेड अवे हो जाती है। तो क्योंकि थेरेपिस्ट का रिलैक्सेशन ज़्यादा है,
तो एंग्जाइटी जो है वो वीक पड़ने लग जाती है, एंड मैं सिस्टमैटिकली एंग्जाइटी थॉट्स पे जा रही हूँ, तो वो एंग्जाइटी वाली जो थॉट्स है वो वीकर बन के इवेंचुअली चली जाती है, एंड द पर्सन बिकम्स लेस फोबिक ऑफ देयर इवेंट. एंड अनदर बिहेवियोरल टेक्निक इज मॉडलिंग. मॉडलिंग में क्या है कि दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके सीखना, या दूसरे लोगों को क्या रिवॉर्ड मिला, क्या पनिशमेंट मिला कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करने पे, उसे ऑब्जर्व करके सीखना. तो अगर मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि उस इंसान ने, उस बच्चे ने अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया था और उसको चॉकलेट मिली, तो मैं भी अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करूंगी और मुझे चॉकलेट मिलेगी. सो दैट विल बी मॉडलिंग. ठीक है. वेर इन द क्लाइंट लर्न्स द बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ रोल मॉडल. अब वो रोल मॉडल थेरेपिस्ट भी बन सकता है उनके लिए, ठीक है, या फिर वो किसी और को भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं. वाइकेरियस लर्निंग भी होती है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल. दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके भी हम लर्न कर लेते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट योर बिहेवियोरल थेरेपी. यहाँ पे हमने बात की थी कि बिहेवियोरल थेरेपी प्रेजेंट पे फोकस करती है, फॉल्टी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में हमने बिहेवियोरल एनालिसिस की बात की, जिसमें आपको पता होना चाहिए माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या होता है, एंटीसिडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट एंटीसिडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन. देन वी टॉक्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिहेवियोरल थेरेपी, कि कौन सी बिहेवियोरल टेक्निक्स होती है जिनकी मदद से मैं ट्रीटमेंट यूज कर सकती हूँ. सो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है, एवर्सिव कंडीशनिंग है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है. पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का ही पार्ट है आपका टोकन इकोनॉमी. सेंसिटिव डिसेंसिटाइजेशन है, सॉरी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है जो वोल्प ने दी थी, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन आता है. एंड मॉडलिंग है, जिसके अंदर आपका वाइकेरियस कंडीशनिंग भी आ जाता है. राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर वन फॉर्म ऑफ थेरेपी. 30 मिनट्स हो गए हैं. इफ़ यू फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक तो आप लोग ले सकते हो, बट जस्ट स्ट्रेच योर सेल्फ, स्माइल, ड्रिंक सम वाटर एंड गेट बैक एज सून एज पॉसिबल. ठीक है. मैं तो कंटिन्यू करने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ब्रेक. And if anybody is interested in continuing, let's do this. ठीक है. चलिए, तो next therapy है आपकी cognitive therapy. Cognitive therapy में सबसे पहली therapy हम पढ़ेंगे RET, which is rational emotive therapy. और rational emotive therapy दी थी Albert Ellis ने. Albert Ellis gave rational emotive therapy. इसमें क्या होता है, they try to locate the cause of psychological distress in your irrational thoughts, your irrational beliefs. तो behavioral therapy तो faulty patterns of behavior identify कर रही थी. Cognitive therapy cognition से related है. Cognition में क्या होता है, thinking patterns, decision making patterns. तो जो आपके illogical और irrational ways of thoughts हैं, irrational ways of thinking है, irrational beliefs हैं, उनका कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं कॉग्निटिव थेरेपीज, एंड स्पेसिफिकली रैशनल इमोटिव थेरेपी. ठीक है. रैशनल इमोटिव थेरेपी इन इरैशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनको रैशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है. और यहाँ पे एनालिसिस होती है ABC एनालिसिस. जैसा बिहेवियरल थेरेपी में बिहेवियरल एनालिसिस थी, यहाँ पे है एंटीसिडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस. तो एक एंटीसिडेंट है, एक बिलीफ है और एक कॉन्सिक्वेंस है. यानी कि मेरा एक बिलीफ है, उस बिलीफ से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा वो बिलीफ बना. जो पहले कुछ हुआ उसे हम बोलते हैं एंटीसिडेंट. फिर मेरा बिलीफ बना और उस बिलीफ की वजह से एक कॉन्सिक्वेंस हुआ. कॉन्सिक्वेंस इज समथिंग दैट कम्स आफ्टर द बिलीफ. सो एंटीसिडेंट इवेंट्स विच कॉज्ड द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. तो ऐसा क्या इवेंट हो गया मेरी लाइफ में जिसने उस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कॉज किया, जिसकी वजह से मेरा एक बिलीफ बना, जिसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए. सो दिस इज RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी, दी थी एल्बर्ट एलिस ने. फिर एक बहुत फेमस टाइप ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज योर कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक. ठीक है. ये नाम है एरन बेक, पता होना चाहिए आपको. एरन बेक ने दी थी. इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये थोड़े चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में चले गए. इन्होंने बोला कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं, जो हमारी सोसाइटी से हमें मिलते हैं, उससे हम कुछ कोर स्कीमास फॉर्म करते हैं. स्कीमास क्या होते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं किसी भी चीज के बारे में हमारी क्या थॉट है. तो जो हमें एक्सपीरियंसेस अपने चाइल्डहुड में अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने सोसाइटी से मिलते हैं, उससे हम कुछ कोर स्कीमा फॉर्म करते हैं. यानी कि कुछ ऐसे बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं जो हमारे मन में बैठ जाते हैं कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. तो कुछ कोर स्कीमास, कुछ बिलीव्स जो हैं, एक्शन पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है. नाउ क्रिटिकल इंसिडेंट ट्रिगर्स द कोर स्कीमा. अगर आपकी लाइफ में कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया जो उस बिलीफ से रिलेटेड ही था,
तो आपकी उस कोर स्कीमा को वो ट्रिगर करेगा, आप उस कोर स्कीमा के बारे में सोचोगे, ठीक है। सपोज आपका बचपन से ये कोर स्कीमा बना था दैट आई एम नॉट अ चाइल्ड हु इज़ वॉन्टेड बाय माई पेरेंट्स डू नॉट लव मी। अगर आपका ये कोर स्कीमा बचपन से अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देख के एक्सपीरियंसेस से बन गया और आपकी लाइफ में कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ कि आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा डांट दिया एंड समथिंग हैपेंड, तो सडनली आपका वो कोर स्कीमा फिर से एक्टिवेट हुआ दैट आई एम नॉट वॉन्टेड बाय माई पेरेंट्स, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट डेवलप हो गई। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं, कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं और इरेशनल होती हैं, कोई लॉजिक नहीं होता उनके ऊपर। सो फिर आपका नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट डेवलप होना शुरू होगा दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, व्हाई एम आई इवन अलाइव, व्हाट शुड आई बी डूइंग, नोबडी लव्स मी, नोबडी विल लव मी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो होता क्या है, आपकी लाइफ में कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट इवेंट हुआ, उस क्रिटिकल इंसिडेंट की वजह से आपके कोर स्कीमा ट्रिगर हुए, कोर स्कीमा ट्रिगर होने की वजह से नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आने शुरू हो गए। नेगेटिव थॉट्स आई तो आपके जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हुए। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मतलब आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं, वो डिस्टर्ब्ड हो गए, राइट। आपकी जो रियलिटी है वो आपने डिस्टॉर्ट कर ली, डिस्टर्ब कर ली। सो दीज पैटर्न्स ऑफ थॉट्स जिनमें नेगेटिव ऑटोमेटिक थिंकिंग आ रही है, इलॉजिकल थिंकिंग आ रही है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। और इन डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से हमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। नेगेटिव थिंकिंग, ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इन सारी चीज़ों की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक। तो यहाँ पे आपको बस एक सीरीज ऑफ इवेंट्स याद रखना है कि आपकी लाइफ में कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ जिसने जिसने आपके कोर स्कीमा को ट्रिगर किया, उसकी वजह से आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आने शुरू हुए। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होते हैं, परसिस्टेंट और इरेशनल थॉट्स, ठीक है। उसके बाद आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होने लगे, आप अपने रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने लगे, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आने लगे जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये जो हमारी थेरेपी का एम है, क्या एम है इस थेरेपी का, टू रीस्ट्रक्चर दीज कॉग्निशंस। क्योंकि देखो ये थेरेपी बोल ही रही है कि क्योंकि हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं इस वजह से हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सो इनका ट्रीटमेंट अप्रोच भी यही है कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को रीस्ट्रक्चर किया जाए, इलॉजिकल वेज को लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जाए, इरेशनल थॉट पैटर्न्स को रैशनल थॉट पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जाए, राइट। सो दिस इज अबाउट योर कॉग्निटिव थेरेपी। अब कॉग्निटिव थेरेपी में हमने एक थेरेपी आरईटी पढ़ी जो एल्बर्ट एलिस ने दी, एक थेरेपी सी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पढ़ी जो एरन बेक ने दी। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि एक्सटेंशन ही है कॉग्निटिव थेरेपी जो एरन बेक ने दी थी, उसी का एक्सटेंशन है ये। दिस इज शॉर्ट एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट और बहुत पॉपुलर है आजकल सीबीटी, एंड ऑलमोस्ट फॉर एवरी डिसऑर्डर वी कैन यूज इट। एंग्जाइटी के लिए, पैनिक अटैक्स के लिए, डिप्रेशन के लिए, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए, सो काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए पहली बात कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली इट इज़ वेरी शॉर्ट इन ड्यूरेशन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नाम है, यानी कि ये कॉग्निशंस को भी इन्वॉल्व कर रही है और बिहेवियर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है। सो यहाँ पे कॉग्निटिव टेक्निक्स भी हैं, हम थॉट्स को भी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और बिहेवियरल टेक्निक्स भी हैं, हम बिहेवियर को भी सही बिहेवियर में करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन इट इज ईजी टू यूज, एप्लीकेबल टू अ वराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स एंड हैज़ अ प्रोवन एफिकेसी। तो जैसा मैंने बताया सीबीटी एक एक्सटेंशन ही है कॉग्निटिव थेरेपी का जो एरन बेक ने दी थी, यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आ गया कि हम थॉट को तो चैलेंज कर ही रहे हैं, साथ साथ बिहेवियर को भी मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम बिहेवियरल थेरेपी में कर रहे थे। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी, राइट। एंड देन वी मूव ऑन टू आर थर्ड टाइप ऑफ थेरेपी जो हमारे सिलेबस में है, वो है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो थोड़ा बहुत हमने ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ा था इन द मॉर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने उस वक्त भी बताया था कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बड़ा प्यारा सा स्कूल ऑफ थॉट है, बिकॉज वो यही बिलीव करता है कि हम ह्यूमन्स का एक इनेट पोटेंशियल होता है टू डू गुड, बट
ये क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कब होता है, व्हेन डू वी फील अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, व्हेन वी फील लोनली, व्हेन वी फील एलियनेटेड, इन अनेबल टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ। तो जब हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रही होती लाइफ में, कोई पर्पज़ नहीं मिल रहा होता लाइफ में, फुलफिलिंग लाइफ नहीं लग रही होती, व्हेन वी फील लोनली, जब हमें लगता है कि हम सबसे एकदम एलियनेटेड हैं, अलूफ हैं, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इट इज एट दैट टाइम व्हेन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम्स इन टू अर लाइफ, नॉक्स इन टू अर लाइफ। ठीक है, तो जब, और ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ नीड्स हैं, कुछ वॉन्ट्स हैं, कुछ विशेज़ हैं, जो या तो हमारी सोसाइटी ने कर्ब करके रखी है, बंद करके रखी है, रोक रखी है हमारी उन नीड्स को, या हमारी फैमिली ने रोक रखी है, उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, हीलिंग अकर्स व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आर दीज ऑब्स्टैकल्स टू देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगेन मैं रिपीट करूंगी वही एब्राहम मास्लो वाला हायरार्की, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू रीच योर हाइएस्ट पोटेंशियल। जो भी आपका पोटेंशियल है उसका हाइएस्ट आप रीच कर पाओ, दैट इज बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग हीलिंग जो है वो तभी हो पाती है जब आप ये देख पाओ कि मेरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के जर्नी में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, और उन ऑब्स्टैकल्स को आप रिमूव कर पाओ, देन हीलिंग अकर्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और ह्यूमनिस्टिक थेरेपी बेसिकली। एंड ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें जो थेरेपिस्ट्स बेसिकली ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की फॉर्म को फॉलो करते हैं, वो एक नॉन जजमेंटल एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो क्लाइंट को जज ना कर रहे हो, एक एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पे क्लाइंट्स की जो नीड्स है वो ना रोकी जा रही हो, उनको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा हो, उनको बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हो, उनको ये एटमॉस्फेयर, एक सेफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा रहा हो, जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल्स के बारे में सोच सकें, क्या बैरियर्स हैं उनके पोटेंशियल्स में उनको सोच सकें, राइट। सो थेरेपिस्ट इज मेयरली अ फैसिलिटेटर, चीफ एम ऑफ द थेरेपी इज टू एक्सपैंड द अवेयरनेस ऑफ क्लाइंट। सो यहाँ पे थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, थेरेपिस्ट सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है जो एक पॉजिटिव और सेफ एक्सेप्टिंग नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। और जो एम है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का, वो एम ही ये है कि क्लाइंट की जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको इंक्रीज किया जाए, वो अपने आप के बारे में अवेयर हो, वो अवेयर हो कि उसके क्या पोटेंशियल्स हैं, उसके पोटेंशियल्स के रास्ते में क्या ऑब्स्टैकल्स हैं और कैसे वो उनको ओवरकम कर सकते हैं, इन सब के बारे में उनको अवेयरनेस मिल पाए ताकि उनकी हीलिंग हो पाए। सो दैट इज अबाउट योर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद हमारा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी भी आता है जो एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में एक साइकियाट्रिस्ट हैं जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने दी थी लोगोथेरेपी। ठीक है, सो दिस नेम एंड दिस थिंग यू शुड रिमेम्बर, विक्टर फ्रैंकल गेव लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ट्रीटमेंट फॉर द सोल। क्यों? क्योंकि लोगोस जो वर्ड है दैट इज द ग्रीक वर्ड फॉर सोल, एंड लोगोथेरेपी मतलब सोल की थेरेपी, सोल की ट्रीटमेंट करना, फाइंडिंग मीनिंग इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस। तो विक्टर फ्रैंकल जो थे, एक्चुअली इट डेट्स बैक टू योर वर्ल्ड वॉर्स, तो नाजीज के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, जो कैंप्स थे जहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, वहाँ पे विक्टर फ्रैंकल वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन हु वाज ट्रैप्ड इन दैट कैंप। एंड ओवर देयर ओनली ही रियलाइज्ड कि जो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रखी है, उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में से भी जब आप एक मीनिंग मेक करो अपनी लाइफ की, जब आप अवेयरनेस लाओ अपने पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में, दैट इज वेन एक्चुअल सोल हील्स, दैट इज वेन एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ सोल हैपन्स। सो उसी इवेंट से इंस्पायर होते हुए विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी दी थी, एंड ही सेड कि वी शुड फाइंड मीनिंग इवन इन द लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे जीना ही मुश्किल हो जाए, वहाँ पे भी आप अपनी लाइफ की मीनिंग फाइंड करो, अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करो। और इसी से रिलेटेड है आपकी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी या फिर स्पिरिचुअल एंजाइटी। सो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटीज आर बेसिकली व्हेन यू हैव एंजाइटी अबाउट व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग ओवर हियर। तो जब आप अपने एग्जिस्टेंस को एक क्वेश्चन करने लग जाते हो, जब आपको एक मीनिंगलेस लाइफ लीड कर रहे हो, जब आपको नहीं पता आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, व्हाई आर यू ओवर हियर, व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग इवन,
देन दैट टर्म इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, और ये चीज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में ही आती है। इन चीजों को डील करने के लिए एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं। एंड गोल क्या है लोगो थेरेपी का, जो विक्टर फ्रैंकल ने दिया था, टू हेल्प द पेशेंट फाइंड मीनिंग। ऑफकोर्स ठीक है, क्योंकि वो कह ही सराउंडेड ही उनकी बात इस चीज पे है कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं फाइंड कर पाता, अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस नहीं फाइंड कर पाता, तो उसकी लाइफ बहुत शैलो रहेगी, उसकी लाइफ में बहुत साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रहेगा। सो देयरफॉर द गोल ऑफ लोगो थेरेपी इटसेल्फ इज टू हेल्प द क्लाइंट फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ, टू हेल्प द क्लाइंट फाइंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ। और थेरेपिस्ट जो है वो काफ़ी ओपन होता है, वो भी शेयर करते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं अबाउट देयर ओन एग्जिस्टेंस, और फोकस होता है हियर एंड नाउ पे, कोई पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे फोकस नहीं हो रहा था, प्रेजेंट पे फोकस होता है, राइट? सो दैट इज योर ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ओके, आई होप बच्चों आप लोग अभी भी साथ में हो, राइट? आई एम नॉट द ओनली वन ओवर हियर, यू ऑल ऑल्सो नीड टू पुट इन द एफर्ट, इट्स योर एग्जाम, है ना? चलिए थोड़ा सा और पढ़ लो, छोटा सा चैप्टर है ये, बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। देन वी हैव क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने दी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड कार्ल रॉजर्स कुछ ऐसे करके, यू नो आई डोंट नो बट रिमेम्बर दीज नेम्स। क्लाइंट सेंटर्ड दी थी कार्ल रॉजर्स ने। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश किया जा रहा है, द रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट कैन रिकनेक्ट विद देयर डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग। देखो ये जो थेरेपी है इसका नाम क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड, अगेन नाम से समझना है हमें चीजों को। क्लाइंट सेंटर्ड मतलब एक ऐसी थेरेपी जहाँ पे क्लाइंट ही सेंटर ऑफ अटेंशन है, कम्प्लीटली कम्प्लीट फोकस है क्लाइंट पे, जो क्लाइंट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे क्लाइंट अपने खुद के फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ रिकनेक्ट कर पाए, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए। तो थेरेपिस्ट जो है वो एम्पथी प्रोवाइड कर रहा है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एज ही और शी और दे आर, ठीक है, जैसे भी वो क्लाइंट है उनको टोटली वैसे ही एक्सेप्ट करना, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं करनी। और जब क्लाइंट एटमॉस्फेयर में सिक्योर फील करेगा, सोचेगा कि मैं अब थेरेपिस्ट को ट्रस्ट कर सकता हूँ, तभी तो क्लाइंट अपने आप को फ्रीली एक्सप्लोर कर पाएगा, तभी क्लाइंट फ्रीली ट्रस्ट कर पाएगा उस एटमॉस्फेयर को, राइट? तो एक नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर, ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर, सिक्योर एटमॉस्फेयर, एम्पथेटिक एटमॉस्फेयर, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड। एंड इस थेरेपी का गोल होता है टू हेल्प द क्लाइंट बिकम हिज और हर रियल सेल्फ, ठीक है, हिज हर दे, उनका जो रियल सेल्फ है वो बन पाए वो क्लाइंट, ठीक है। एक होता है हमारा रियल सेल्फ, एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ होता है कि जो मैं असल में हूँ, आइडियल सेल्फ होता है जो मैं बनना चाहती हूँ। ये कॉन्सेप्ट भी कार्ल रॉजर्स ने दिया था, दैट रियल सेल्फ इज वॉट यू एक्चुअली आर एंड आइडियल सेल्फ इज वॉट यू विश टू बी। और जितना ज्यादा मिसमैच होगा इस रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में, उतना ज्यादा डिस्ट्रेस होगा। और जितने ज्यादा ओवरलैप कर रहे होंगे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, उतना ज्यादा आप हैप्पी लाइफ लीड करोगे। और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, बिकॉज क्लाइंट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, सो थेरेपिस्ट सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पे। एंड देन यू हैव योर जेस्टाल्ट थेरेपी। जेस्टाल्ट थेरेपी दो लोगों ने दी थी, फ्रेडरिक फ्रीट्स पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स, तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने मिलके दी थी जेस्टाल्ट थेरेपी। फ्रेडरिक फ्रीट्स पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स, नाम स्पेलिंग के साथ याद रखने हैं। जो वर्ड है जेस्टाल्ट वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल और कंप्लीट, ठीक है। गोल क्या है जेस्टाल्ट थेरेपी का, टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स सेल्फ अवेयरनेस एज वेल एज सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो सिर्फ इंडिविजुअल की सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज नहीं करना, पर सेल्फ एक्सेप्टेंस को भी इंक्रीज करना है, दैट द सो दैट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स देमसेल्व्स, सो दैट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स देमसेल्व्स फॉर हु दे आर एंड हाउ दे आर एंड बी रेडी टू ऑल्सो वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करना इज द गोल ऑफ जेस्टाल्ट थेरेपी, जो दिया था फ्रेडरिक फ्रीट्स पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स ने। जर्मन वर्ड है जेस्टाल्ट जिसका मतलब होता है होल, यानी कि आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पाओ, अपने आप को कंप्लीटली जान पाओ।
थेरेपिस्ट एनकरेजेस द क्लाइंट टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट देयर फीलिंग्स एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट. तो जो भी उनको फील हो रहा है, जिन बारे में उनको यू नो कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ बट मैं कर ऐसा रही हूँ, उन सारी फैंटेसीज को थेरेपिस्ट एनकरेज करते हैं कि क्लाइंट एक्ट आउट कर ले उसी थेरेपी सेशन में, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान पाए, अपने आप को जैसे वो है एक्सेप्ट कर पाए. सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थेरेपीज नाउ. क्लाइंट सेंटर, जेस्टाल्ट, बायोमेडिकल थेरेपी आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, द लास्ट सेट ऑफ थेरेपीज दैट वी हैव टू डू, बस 10-15 मिनट की बात और है, अपना पेशेंस बरकरार रखिए, ठीक है. ऑल्टरनेट थेरेपीज. ऑल्टरनेट थेरेपीज क्या होती हैं कि हमने साइकोथेरेपीज काफ़ी सारी देख ली, कि बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, कॉग्निटिव थेरेपी हो सकती है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हो सकती है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हो सकती है, एंड देर कैन बी जेस्टाल्ट थेरेपी. सो हमने काफ़ी सारी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, हमने काफ़ी सारी साइकोथेरेपीज देख ली. देन देर आर ऑल्सो मेडिकल ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल, कि ड्रग्स दे दिया, मेडिकेशंस दे दिया उनके डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए. बट क्या कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जो इन साइकोथेरेपीज और इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स से हटकर हूँ? दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑल्टरनेट थेरेपीज, जो ना तो साइकोथेरेपी से रिलेटेड है, ना उसमें कोई थेरेपिस्ट है, ना उसमें कोई क्लाइंट है, ना उसमें कोई मेडिकेशंस इंक्लूडेड है. सो वॉट ऑल कैन बी इंक्लूडेड? योगा है, मेडिटेशन है, एक्यूपंचर है, हर्बल रेमेडीज हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑल्टरनेट थेरेपीज में आती हैं. तो योगा में क्या होता है, इट आइदर रेफर्स टू ओनली द बॉडी पॉस्चर्स और द ब्रीदिंग कॉम्पोनेंट एज वेल. तो योगा में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो सिर्फ आपके जो आसनास होते हैं योगा में, या जो बॉडी पॉस्चर्स होते हैं, या तो सिर्फ वो हो, या फिर उन बॉडी पॉस्चर्स के साथ साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी हो, यानी कि प्राणायाम भी हो, आसन के साथ साथ प्राणायाम भी हो, या फिर सिर्फ बॉडी पॉस्चर्स हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो. दैट इज़ वॉट इज योगा इज कंप्राइज्ड ऑफ. और योगा क्या हेल्प करता है, यहाँ पे है आपके योगा के बेनिफिट्स, ठीक है. योगा रिड्यूसेस द टाइम टू गो टू स्लीप, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ आर स्लीप. तो हमारी जो स्लीप की क्वालिटी होती है वो योगा इम्प्रूव करती है, हमारा जो स्लीप का जाने का टाइम होता है वो रिड्यूस करता है, तो हमारा पैटर्न अच्छा बन जाता है. और एक टाइप होती है कुंडलनी योगा, ठीक है, कुंडलनी योगा. दिस टाइप ऑफ योगा इज टॉट इन USA और ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड पाया गया है काफ़ी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए. कुंडलिनी योगा में होता क्या है, प्राणायाम एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास दोनों को कंबाइन किया जाता है. तो ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती है और साथ साथ आप कोई मंत्र को चैंट भी कर रहे हो. तो कन्वेंशनल योगा में तो क्या है, बॉडी पॉस्चर्स होते हैं, या फिर बॉडी पॉस्चर्स के साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी कर दिया जाता है. कुंडलिनी योगा जो USA में प्रैक्टिस करते हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव पाई गई हैं काफ़ी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स अलॉन्ग विद चैंटिंग ऑफ मंत्रास दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. और एक दूसरी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट आपकी मेडिटेशन हो सकती है. मेडिटेशन क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन ब्रीदिंग और एन ऑब्जेक्ट और थॉट और मंत्र. तो हो सकता है कई लोगों के लिए मेडिटेशन हो कि आप एक मंत्र गा रहे हो बार बार ही, कई लोगों के लिए हो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है, कई लोगों के लिए हो कि जो आपकी ब्रीदिंग है उस पे आप फोकस कर रहे हो. सो इट कैन बी एनीथिंग बट इट इज़ अबाउट फोकस, आइदर फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन सम काइंड ऑफ अ थॉट, फोकस ऑन सम काइंड ऑफ अ मंत्रा. दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन की एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं विपासना मेडिटेशन. जैसे योगा की कुंडलिनी योगा थी, वैसे मेडिटेशन की टाइप है विपासना मेडिटेशन, जिसको माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी बोला जाता है. माइंडफुल नहीं, माइंडफुलनेस, जिसमें क्या होता है कि कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, कोई फिक्स्ड थॉट नहीं है आपके पास जिस पे आप फोकस कर रहे हो, बट यू आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू ऑब्जर्व द थॉट्स एज दे पास बाय. जो भी थॉट्स पास बाय हो रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करो. सो नो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और थॉट टू होल्ड अटेंशन टू, इट्स जस्ट वट एवर सेंसेशंस यू आर हैविंग, वट एवर थॉट्स यू आर हैविंग, यू आर बींग अवेयर ऑफ दैम. वो होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसको हम विपासना मेडिटेशन भी बोलते हैं. फिर होती है एक रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक स्काई. फुल फॉर्म क्या है स्काई का, सुदर्शन क्रिया योगा, अनदर टाइप ऑफ योगा है सुदर्शन क्रिया योगा स्काई. ये काफ़ी बेनिफिशियल ब्रीदिंग टेक्निक है, लो रिस्क है, लो कॉस्ट इन्वॉल्व है, और काफ़ी सारे मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव है. और ये एक इंटरवेंशन है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन.
सो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आपके पास काफ़ी सारी थेरेपीज आ सकती हैं। योगा है, मेडिटेशन है, एक्यूपंचर है, हर्बल रेमेडीज हैं। योगा में हमने कुंडलिनी योगा देखा और हमने सुदर्शन क्रिया योगा स्काई देखा, फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिर मेडिटेशन हमने पढ़ा, मेडिटेशन में हमने विपासना मेडिटेशन, जिसको हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी बोलते हैं, वो पढ़ा। With this we complete the most biggest part of this chapter, that is types of therapy. अब जो छोटू सा पार्ट बचा है, that is rehabilitation of the mentally ill. हाँ जी, why is rehabilitation important? तो rehabilitation आज सुबह भी मैंने discuss किया था, हमने अगर आपको याद हो तो जब हम history पढ़ रहे थे तो हम deinstitutionalization की बात कर रहे थे, यानी कि जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जब वो कम्युनिटी में अगर वापस आते हैं ठीक होके, तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको कैसे सोसाइटी के साथ चलने का जरिया सिखाया जाए। सो रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें चाहिए कि जिन लोगों के डिसऑर्डर्स या जिन लोगों के सिम्टम्स जो हैं कंट्रोल हो रखे हैं, वो सोसाइटी में भी कुछ काम करें, सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर फील करें, राइट। सो एम ऑफ रिहैबिलिटेशन इज़ टू एम्पावर द पेशेंट, उनको ये ना फील करें कि उनकी लाइफ वर्थलेस है, उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो सोसाइटी के एक प्रोडक्टिव मेंबर बने। और यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं रिहैबिलिटेशन में, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो थ्री थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट ओवर हियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है कि यू नो छोटी छोटी स्किल्स जैसे कैंडल मेक करना, पेपर बैग बनाना, कोई सामान को सुई धागे से सील के कोई छोटा सा स्वेटर बनाना, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को सिखाई जाती है ताकि उनकी लाइफ में एक वर्क डिसिप्लिन आए। नाउ वी कैन नॉट लोड देम विद अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क और अदर वर्क्स व्हिच रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर सिचुएशन इज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एम क्या है, ऑक्यूपेशन नाम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एम है उनके लिए एक वर्क डिसिप्लिन क्रिएट करना। तो उनको छोटी छोटी स्किल्स सिखाई जाती है ताकि उनकी लाइफ में वर्क डिसिप्लिन हो। फिर आती है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, अगेन नाम से समझो सोशल स्किल्स, लोगों से बातचीत करने का तरीका, ठीक है, कैसे हमें रिलेशनशिप्स बनाने हैं, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेस। तो बिफोर दे मूव ऑन टू द रियल, मूव इन टू द रियल वर्ल्ड, मे बी थेरेपिस्ट के साथ या उनके बैचमेट्स के साथ या किसी और के साथ रोल प्लेस करा के सिखाया जाता है ताकि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी कभी कभी सिखाया जाता है, राइट। एंड देन देर इज वोकेशनल ट्रेनिंग, पर वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले होता है कॉग्निटिव रीट्रेनिंग। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग क्यों, क्योंकि उनके मन में, उनके पास कॉग्निशन तो था, उनके पास थिंकिंग एबिलिटीज थी, उनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज थी, बट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर दे वर अ लिटिल डिसबैलेंस्ड। तो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि उनके जो बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, ताकि जो अटेंशन रिटेन करने की, मेमोरी में कुछ सामान रिटेन करने की या फिर अपने डिसीजंस मेक करने की, थिंकिंग एबिलिटीज, उन सारी चीज़ों की फिर से ट्रेनिंग दी जाती है। एंड देन दी जाती है वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग वेयर इन द पेशेंट इज हेल्प टू गेन स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनका वर्क डिसिप्लिन हमने बनवा दिया, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में हमने उनको कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस में वो सिखा दिया, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग में हमने उनके बेसिक अटेंशन मेमोरी की स्किल्स जो हैं उनको थोड़ा ब्रश अप कर दिया, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में अब हम उनकी एम्प्लॉयमेंट से स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ताकि वो एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन सके, उसके लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, एंड हुर्रे वी आर डन विद योर चैप्टर नंबर 5। सो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड टू चैप्टर्स। चैप्टर 4 सुबह वाली लाइव स्ट्रीम में कम्प्लीट हो गया था, जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आप प्लीज़ वो चैप्टर भी रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज हमारा एम क्या है कि आज हम ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दें। हमने अभी वीडियो देख के अपने क्लासमेट्स के साथ कंप्लीट कर लिया है सुबह चैप्टर 4 और अभी चैप्टर 5। अब थोड़ा ब्रेक लेके आप अपना सेल्फ स्टडी मोड से भी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर से बुक अगर पढ़नी है, फिर से रिवाइज करने का मन है, तो ये चैप्टर 4 चैप्टर 5 आज डन करना है, टिक मार्क करना है अपनी लिस्ट में, ठीक है। अब कल मिलेंगे सुबह एंड शाम को भी, कल हम चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 दोनों कंप्लीट कर लेंगे। इजी चैप्टर्स हैं, स्मॉल सिंपल चैप्टर्स हैं, इजीली हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। एंड गाइस
होप दैट यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज, बिकॉज स्पेशली ये वन शॉट वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ. मेरा खुद का स्केड्यूल काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी पैक्ड अप है करंटली, बट आई जस्ट थॉट दैट 12thies नीड दीज वन शॉट वीडियोज एट दिस मोमेंट. तो मैंने सोचा मैं फटाफट क्रिएट करूँ इनके लिए एंड लाइव डालूँ, ताकि आप अपने बैचमेट्स के साथ एक कलेक्टिव फीलिंग लेके देख पाएँ इस वीडियो को और डिसिप्लिन के साथ देख पाएँ. सो इफ़ यू डू लाइक दीज एफर्ट्स, आपको पसंद आती है, तो अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स रीच टू 20K एज फास्ट एज पॉसिबल. बट इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पर साथ साथ फोकस करना है, बिकॉज मार्क्स अच्छे से लाना, अंडरस्टैंडिंग अपनी लेके रखना. मार्क्स चलो इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अंडरस्टैंडिंग आ गई तो मार्क्स भी आ जाएंगे, राइट? सो विद दिस आई एंड टुडेज वीडियो. आई विल मीट यू टुमारो. हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय.